कार्डेमम यानी इलायची रोज़मर्रा घरेलू इस्तेमाल की आम चीज़ है, जिसे आमतौर पर खानों और खुसूसन चाय में खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खाने और चाय में इलायची का इस्तेमाल करना खानों को हजम करने में मददगार है। ये मैदे की तेजाबियत को ख़त्म करती है, बदहजमी और गैस से रोकती है। इस छोटी सी चीज़ में कई बड़ी बीमारियों का इलाज पोशीदा है। इलायची बीमारियों से निजात का सस्ता और आसान इलाज है। अल्लाह ताला ने इलायची में शिफा रखी है, लेकिन बदकिस्मती से इस जदीद दौर में हम साइंसी और मसनूए इलाज और दवाइयों के पीछे पड़े हैं, जिससे हमें वक्ती तौर पर फायदा होता है, लेकिन हम इस बात से नावाकिफ होते हैं कि हम एक बीमारी का इलाज करते हुए कई दूसरी बीमारियां अपने जिस्म में पैदा करते हैं। हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के इन नेमतों से फ़ायदा उठाते हैं और वो लोग लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते हैं। इलायची से कमज़ोर नज़र, दिमागी कमज़ोरी, यादाश्त की कमी, एलर्जी, ख़ारिश, कैद, मुँह की बदबू और सोड़ों के अमराज और चिंकों का इलाज बहुत आसानी से मुमकिन है। तेज़ खुशबू और एंटी बैक्टीरियल खसूसियात की हामिल इलायची मुँह की बदबू दूर करती है। खुराक को जल्द हजम करने वाला लवाफ जो मुंह में बनता है, इसमें इजाफे के लिए इलायची को कुछ देर मुंह में रखकर चबाने से इस लवाफ में इजाफा होता है, जिसकी वजह से खुराक जल्दी हजम हो जाती है। रकम बाहर निकालने, नज़ला और जुकाम और फेफड़ों में खून की गर्दिश कंट्रोल करने के लिए सब चाय में इलायची का इस्तेमाल करें। इलायची में आयरन, कॉपर, विटामिन, मिनरल्स, मैग्नीशियम, पोटाशियम और कैल्शियम मौजूद होते हैं, जो कि खून के सुख खलियात की अफजाइश में बेहद मददगार होते हैं और खून की कमी को तेजी से खत्म करके खून के नए खलियात बनाते हैं और जिसम से जहरीले और फासिद मादे को ख़त्म करती है। जिनसे अमराज, जिल्द और कैंसर की बीमारियों से बचने के लिए इलायची का इस्तेमाल बाकायदगी से करना ज़रूरी है। इलायची निज़ाम तौलीद को बेहतर बनाने की सलाहियत रखता है। इलायची के दीगर तिबी फवायद भी है। हमेशा कान में ख़ारिश, दर्द महसूस करना और मुसलसल कान को खुजाते रहने वाले लोगों के लिए बड़ी इलायची चूसना बहुत मुफीद है। कुछ दिन ऐसा करने से इनको इन तकालीफ में आराम मिलेगा। हमला खातिन की कहकर बेहतरीन इलाज इलायची है। हर खाने से पहले या बाद में एक बड़ी इलायची मुंह में रखकर चूसने से मैदे की गैस, पेट का दर्द में आराम आएगा और पेट भी नहीं फूलेगा। जो लोग अपने बड़े हुए पेट से परेशान हैं, इलायची उनके लिए बेहतरीन है। जो लोग हर वक्त मुंह पर मास्क लगाकर रखते हैं और मौसम की तब्दीलियों की वजह से पोलन एलर्जी से मुतासर होते हैं, तो ऐसे लोग एक बड़ी इलायची मुँह में रखकर चूसते रहने से एलर्जी की मुसीबत, तकलीफ और परेशानी से निजात हासिल हो जाएगी। एक आदत इलायची मुँह में रखकर चूसने से नज़ला, जुकाम और मुसलसल नाक से बहते हुए पानी से आराम हासिल होगा। इलायची मुंह में रखकर चूसने से दिमागी कमजोरी दूर हो जाती है, कमजोर नज़र, तेज और यादाश्त अच्छी हो जाती है। दिमाग को ताकत पहुंचाने और दिमागी कमजोरी दूर करने के लिए एक इलायची मुंह में रखकर चूसने से दिमागी कमजोरी दूर हो जाती है, कमजोर नज़र, तेज और यादाश्त अच्छी हो जाती है। दिमाग को ताकत पहुंचाने और दिमागी कमजोरी दूर करने के लिए इलायची कुदरती टॉनिक है।